कोई नहीं भाई, इजी रखो। ज्यादा स्लिपरी हो रहा है रास्ता। भटके भी तो इतना गंदा भटके कि जिस पहाड़ी पे सीधे जाना था ना, उस पहाड़ी पे नीचे उतर गए, तभी एक और पहाड़ चढ़ रहे हैं। यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। कौन कौन से? लेपर्ड वगैरह है और भालू, और भालू है। भालू भाई है यहाँ पे। तो जस्ट अभी ट्रैक स्टार्ट हुआ है, बहुत दूर है मंजिल। गुज्जी से दोस्ती भारी पड़ गई, कहाँ लिया है ट्रैक करवाने। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। अब ये थोड़ी खतरनाक सी, बर्फ डंडे का काम है। ये लोग कैसे चढ़ रहे हैं भाई? गंगा जा रहे हैं हम अभी। पूरी ब्लैक आइस। मेरे को लग भी नहीं रहा था मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, कुछ खाया नहीं था मॉर्निंग में। मैं अपने लाइफ में पहली बार स्नो देख रहा हूँ। थोड़ा चाय वाय पीते हैं और थोड़ा सी वीप साफ करते हैं। बब्बू के ना करिए बात। खीर गंगा। एंड ये है खीर गंगा ट्रैक का पार्ट टू एंड हमारी हिमाचल ट्रिप का एपिसोड नंबर 4। तो ऐसा ये कुछ टेंट है और यहाँ पे हीटर भी लगा हुआ है ताकि ये गर्म रहे। ये सारे बेड्स हैं और यहीं पे ब्लैंकेट्स भी दिए हैं। कुछ बेड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो बेड है ये सब थर्माकोल के हैं और नॉर्मल ब्लैंकेट है सारे। यहीं पे हम लोग सोए थे। ये थर्माकोल वाली साइड पर गुज्जी था और यहाँ पे मैं, यहाँ पे आकाश और यहाँ पे आशु और बाकी भाई लोग भी इधर ही थे। तो ऑल एंड ऑल बढ़िया था। उसके अलावा हम लोगों ने ये एक डबल बेड का ब्लैंकेट अपना लेके आया था और एक ये भी, और मैंने एक गर्म सॉक्स भी लिए थे। अभी आपको जो ये नॉर्मल पानी दिख रहा है ये रात में बर्फ था। अब मुझे अच्छे से याद इसीलिए है क्योंकि रात को मैंने अपना बम पानी से नहीं बर्फ से धोया था। बेटा तुम्हारे चुतिया पे कब खत्म होंगे? खत्म। मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरे साथ वाले ऊपर मंदिर में पहुंच चुके हैं क्योंकि वहां पे कुंड है और उन लोगों को वहां पे नहाना है। मेरे को नहीं नहाना है, मेरे को तबीयत खराब नहीं करनी है। शायद मैं टेंपल के पास पहुंचने वाला हूं। यहां पे थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है और ऊपर से आवाजें भी आ रही हैं। उन लोगों को कैचअप करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पे अर्ली मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूं। हमें वहां जाना है एंड रात में आप देख सकते हो काफी स्नो गिरी है। कैंपिंग का बंदोबस्त बहुत अच्छा है लेकिन कल रात को काफी हवा चल रही थी और जो हमारे ट्रैकिंग वाले भैया थे उन्होंने बताया कि उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में, उनको यहाँ पे काफी साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी ठंडी हवा कभी नहीं देखी। एक अपने साथ का देखो, ये रहा क्या बोल रहा है। आ जाओ ना। और भाई हमें यहाँ पे कैंपिंग वाले बता रहे थे कि यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। कौन कौन से? लेपर्ड वगैरह है और भालू, और भालू है। भालू भाई है यहाँ पे। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बहुत गंदी है भाई यहाँ पे तो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अगले जान दे दूंगा। मैं मेरी माँ के लिए जी रहा हूँ। मेरी मम्मी ने कहा था, बेटा अगर तेरी जिंदगी में कुछ ना हो तो तू साधु बन जाएगी। मम्मी की बात में दम था। A few moments later. भी येलो येलो भी तो पड़ा है बहुत जगह पे। ये है टॉयलेट, लोगों ने यहीं को पेशाब घर बना रखा है। तो ये टॉयलेट है? बहुत गलत बात है। कंट्रोल उदय। वैसे हमारे वहाँ उत्तराखंड में ज्यादातर टाइगर वगैरह होते हैं, बाघ वगैरह होते हैं, यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे ठंड ज्यादा है और वो ज्यादा ठंड में आई थिंक सर्वाइव नहीं कर पाते, यही रीजन है। तो यहाँ पे लेपर्ड वगैरह और भालू वगैरह ज्यादा है। देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है। ये पीछे से हमारे पीछे पीछे आ रहा है, बहुत पीछे से मंदिर के पास से, लेकिन जैसे मैं क्लिप ले रहा हूँ तो ये कॉन्शियस जा रहा है भाई भाई, मतलब क्लिप नहीं लेने दे रहा है। और अभी देखना थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगा ये नीचे ही होगा, ये इससे भी नीचे आ गया होगा हमारे पीछे पीछे। A few moments later. गजब बेइज्जती है।
बाकी अभी कैंप में जा रहे हैं, वहां से ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर नीचे के लिए निकलेंगे कसौल की तरफ। तो नीचे आते टाइम स्नो वाले एरियाज पे मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि नहीं, जान ज़्यादा प्यारी है ऑब्वियसली, एंड रास्ता काफ़ी ज़्यादा टफ था, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, कुछ लोगों को चोट भी लगी। कोई नहीं भाई, इजी रखो। तो कुछ लोगों के ब्रेकअप भी हुए, भाई कसम से इस भाई का ब्रेकअप हो गया, एंड इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी कि अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लेके आया, सॉरी एक्स गर्लफ्रेंड। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार, ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है रास्ता। कहाँ से आप? दिल्ली। दिल्ली कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा है। हाँ, बट थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ऊपर ठंड जा रहा था। हाँ, -25 था। -25 था रात में? क्या बात कर रहे हो? हाँ, कुछ भी आराम से ये हो साइड से, आराम से ये इधर फिसलने बहुत। ढाई बज गया ना, और ये सही चीज हुई कि हमें 4-5 लड़के और मिल गए थे, 2-3 ऊपर ही मिल गए थे, ग्रुप बन गया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये हैं सब लड़के, बाकी अपने दो लौंडे पीछे से आ रहे हैं, बाकी दो आगे निकल गए। तो फाइनली ये लास्ट स्टॉप है रुद्रनाग, यहाँ से आगे हमें जाना है और उधर बर्फ़ नहीं है, तो यहाँ का रास्ता थोड़ा मुश्किल था पर अभी थोड़ा ईजी होने वाला है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से, और मेरा ग्लव्स कितने बार गिरेगा इस व्लॉग में। अब रास्ता इजी है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और पहुंचने में, ऑलमोस्ट आई थिंक 40 मिनट से 1 आवर लग जाएगा। A few moments later. ट्रैक ऑलमोस्ट फिनिश होने ही वाला है और हम लोग रुके थे रास्ते में ब्रेक लेके, तो हमारे साथ वाले निकल गए और वो ऊपर वाले रास्ते चले गए, हम लोग नीचे वाले, तो हम रास्ता थोड़ा भटक गए, लेकिन अभी हमने पीछे पता किया तो आगे हम लोग एक ही जगह पे मिलेंगे। और मेरे साथ एक और आदमी भटका है, ये नहीं बोलूंगा इसके वजह से भटके, लेकिन हम दोनों भटक गए। क्या बोलना चाहिए? कोई नहीं, भटकेंगे तो मिल जाएंगे, मंजिल दूर थोड़ी है। चलो ये भी हो सकता है कि हम लोग जल्दी पहुंच जाएं। भटके भी तो इतना गंदा भटके कि जिस पहाड़ी पे सीधा सीधा जाना था ना, उस पहाड़ी पे नीचे उतर गए, अभी एक और पहाड़ चढ़ रहे हैं। बहुत खराब रास्ता है भाई। तो एक बार व्यू चेक करो, इतनी सुंदर जगह है, इतनी प्यारी जगह है, और लोगों ने यहाँ पे इतना कूड़ा, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। ऊपर जो स्नो वाला एरिया था, अगर मैं आप लोगों को वहाँ की क्लिप दिखा देता ना, तो यार मतलब आपको भी लगता कि क्यों लोग मतलब नेचर के साथ ऐसा करते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए यार। तो भाई अभी लोगों के कॉल आना स्टार्ट हो गए ग्रुप वालों के कि कहाँ हो, तो अभी मेरे को लग रहा है उन लोगों से जल्दी पहुँच जाएंगे हम, लेकिन हमको उन लोगों ने बोला है कि नीचे का रास्ता ज़्यादा लंबा है, तो देखते हैं हम लोग जल्दी पहुँचते हैं या वो पहुँच जाएंगे वो लोग हमसे पहले। जी हाँ। A few moments later. तो यार रास्ता हम भटके थे, लेकिन मेरे को लग रहा है जल्दी हम पहुंच गए, और वो लोग अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन उनके साथ का एक आदमी यहाँ पे पहुंच चुका है। मैं सबसे पहले पहुंचा, मैं कुछ पहले नहीं, तो दूसरे नंबर पे पहुंचा, पहले हम पहुंचे। अरे अपनी टीम में। अच्छा, लंबे छोटे रास्ते से सबसे पहले मैं पहुंचा, मेरे को कुछ लोग दिख गए, मैं उनके पीछे पीछे आ गया, और हमारा एक अभी बुज्जी व्लॉग्स का ओनर अभी मरा पड़ा है, एक किसी के पैर पे चोट लग गई तो रुके हुए थे। हाँ भाई बब्बू, तूने बोला जल्दी पहुंचेंगे, पहुंचा दिया ना जल्दी। तूने पहुंचाया नहीं है, मैंने पहुंचाया तुझे। अरे चाहे तू पहुंचाए हम पहुंचाए, बात तो बराबर है। कुछ भी वो आ रहा कुछ जी। खत्म। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और बाकी सब सो रहे थे, मैं जल्दी उठ गया, तो मैं आया हूँ कॉफी लेने के लिए। और थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, फिर चेकआउट करके 12-1-2 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे। Oh.
बाय।